जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका इलेक्ट्रिक स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप सेल करते हैं जैसे कि शू वगैरह, वायर, फैन वगैरह, ETC, इलेक्ट्रिक पार्ट्स का शॉप है आपकी, तो और आप चाह रहे हैं कि इजी सा सॉफ्टवेयर हो, ठीक है जी, जिसमें आप अपना सेल, प्रॉफिट, लॉस, आज की क्या सेल हुई, क्या आपके पास स्टॉक अवेलेबल है, क्या चीज़ सेल हो रही है, तो कस्टमर का खाता मैनेज करना है आपने, तो आप देखना चाह रहे हैं, तो अच्छे सॉफ्ट एक बेस्ट सॉल्यूशन है आपकी बिजनेस के लिए, बहुत ही इजी टू यूज़ है, ठीक है जी। ये छोटी सी ओवरव्यू वीडियो होगी, इसकी मुकम्मल डिटेल वीडियो A to Z हमने अपलोड की हुई है, किस तरह आइटम ऐड करेंगे, किस तरह सेल करेंगे, किस तरह औजार पे सेल करेंगे, तो वो मुकम्मल वीडियोज़ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे हम, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं जी, इस पर यूज़र मल्टीपल यूज़र बना सकते हैं आप, ठीक है जी, और फुली ऑफलाइन नेट के बगैर चलेगा। यूज़र्स एडमिन से लॉगिन करते हैं हम, पासवर्ड देते हैं वन, कभी भी यूज़र का पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं ATC। चलते हैं जी, किस तरह से हम आइटम वगैरह ऐड करेंगे। प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे, कुछ आइटम्स मैंने दो तीन ऐड की हुई हैं, तो आपके सामने एक और आइटम ऐड करते हैं यहाँ पर जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं जी एक वायर ऐड करते हैं। देखिए, कैटेगरीज पहले हमने बनानी होती हैं, ठीक है, क्योंकि वायर है, स्विच बोर्ड है, बल्ब है, मैंने कैटेगरी बनाई है। कुछ कैटेगरी नहीं है तो प्लस पे क्लिक करें, आप नई कैटेगरी बनाएंगे अपनी, ठीक है जी, तो आप ये नई कैटेगरी बना सकते हैं, जैसे कि फ़ैन है, ठीक है, टेबल फ़ैन, ETC, इस तरह कैटेगरी बना बनाने का। अच्छा, हम वायर सेव करते हैं, फर्ज करें हम वायर सेव कर रहे हैं, वायर पे क्लिक करेंगे, वायर चूज़ कर लेंगे। अच्छा, आगे बार कोड है, अगर किसी का बार कोड है किसी आइटम पर, बार कोड स्कैन कर लेंगे तो उसको आप सेल भी कर पाएंगे। अच्छा, आगे जी हम लिखेंगे जी एक GM की केबल सेव करते हैं, GM केबल, उसका जो साइज़ है वो हम दे देंगे, ठीक है जी, वो दे देंगे हम 3x29 कॉपर 90 मीटर, ठीक है जी, ये केबल का मैंने नाम लिख लिया, ठीक है जी। अच्छा, आगे हम देखें मैन्युफैक्चरर कौन है, ठीक है जी, मैन्युफैक्चरर होता है जो उसको चीज़ को बनाता है। अब देखें, कुछ मैन्युफैक्चरर मैंने चाइना, फिलिप्स है, ओसाका है, ठीक है, हमें पता है इसका GM है, तो प्लस पे क्लिक करें, मैन्युफैक्चरर बना लें जी, GM केबल्स, ठीक है जी, तो इससे आपका रिकॉर्ड और ज़्यादा इजी होगा, आपको पता लगेगा कि GM के कितने आइटम्स हैं, ओसाका के कितने आइटम्स हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अब चलते हैं पैकिंग, पैकिंग इसकी एक ही आएगी, एक की पैकिंग लिख देंगे हम, और इसके लिखेंगे जी कॉस्ट। अच्छा जी, आप इसको देखिएगा, आपने इसको पर मीटर सेव करना है या इसको स्क्वेयर फिट सेव करना है, तो उसके हिसाब से इसकी कॉस्ट देनी है। अब मोर पे क्लिक करें, यूनिट ऑफ मेजरमेंट बता दें, इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, ठीक है, फर्ज करें मीटर में सेल करना है तो हम लिख देंगे यहाँ पर मीटर, ठीक है, और यहाँ पर हम जो रेट देंगे वो 1 मीटर का देंगे रेट, ठीक है। अब फर्ज करें इसका 1 मीटर का रेट है जी 10 रुपये, आपको कॉस्ट कितने की आती है, 10 रुपये का आपको पड़ती है, और आप इसको सेल करते हैं वो करते हैं जी पर मीटर, आप सेल करते हैं इसको 15 रुपये, ठीक है। अब आप इसको अगर स्क्वेयर फीट में सेव कर रहे हैं, यहाँ पे SQ लिख लें, या और यहाँ पर इसकी जो कीमत आपने स्क्वेयर फीट की देनी है, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये लिख लिया अलर्ट क्वांटिटी, ठीक है। अलर्ट ये होती है कि आपके अगर आप लिखते हैं कि आपके फर्ज करें मेरी 100 मीटर वायर रह जाए, मैं 100 लिख दूँगा, 100 मीटर वायर रह जाए, तो सिस्टम मुझे अलर्ट शो करे, चीज़ ख़त्म होने वाली है आपकी, ठीक है जी। अच्छा, इसको आप क्या करेंगे, आप सेव कर देंगे, देखिएगा। अच्छा, इसको आप सेव कर दें, कुछ आइटम और ख़त्म है, जैसा कि मेरे पास 2 पिन शू है। अच्छा, इसकी मैंने कैटेगरी शू दे दी, इसका जो मैंने लिख दिया 2 पिन शू है चाइना 12, उसके जो यूनिट ऑफ मेजर मैंने पीसेस दे दिया, मेरा पीसेस में सेल होता है। अच्छा, एक और अहम चीज़ देखेगा, इसका मैनुफैक्चर लिख दिया मैंने, इसकी पैकिंग मैंने बता दी। अच्छा, देखिएगा, आपके पास शू होते हैं, उसके डिब्बे में कितने शू होते हैं, फर्ज करें एक डिब्बा है शू का, उसमें 12 पीस है, मैंने यहाँ लिख दिया 12 पीसेज होते हैं उसके, मैंने यहाँ भी लिख दिया 12 पीस होते हैं। अच्छा, इसका मकसद क्या है, और मैंने यहाँ पर जो कोर्स पर लिख दी, मैंने कोर्स जो दी है वो मैंने मुकम्मल डब्बे की कोर्स दी है, और सेल भी मैंने डब्बे की दिया, ठीक है। इसका मकसद क्या है कि हम जब सेल करेंगे तो हम एक शू की कीमत सिस्टम बताएगा हमें, हम उसको भी सेल कर पाएंगे और हम मुकम्मल डब्बा भी सेल कर पाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ हम जब सेल करेंगे मैं आपको वहाँ पर भी दिखाऊँगा कि क्या काम है इसका। लेकिन हमने 12 की दे दी, डब्बे की कीमत दे दी, और इसको हमने अलर्ट दे दी कि हम 10 रह जाए तो सिस्टम मुझे अलर्ट शो करें, ठीक है। इसी तरह हमने ये देखिएगा 3 सॉकेट जो है एक्सटेंशन जो जिसको 3 शू कहते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड भी हमने सेव किया हुआ है, कैटेगरी आप दे देंगे यहाँ पर, फर्ज करें एक्सटेंशन आपने कैटेगरी दे दी, और यहाँ पे मैनुफैक्चर चूज़ कर लेंगे ATC, ठीक है। चलते हैं जी हम परचेज़ की तरफ, परचेज़ किस तरह करेंगे, परचेज स्क्रीन पर आएंगे, यहाँ पर इन्वॉइस नंबर लिख देंगे, ठीक है। आप जब जिससे परचेज़ कर रहे हैं, अगर वो रसीद दे रहा है उस पर इन्वॉइस नंबर है वो लिख दें, अगर रसीद नहीं है उसके पास, वैसे माल ले रहे हैं तो कुछ भी आप यहाँ पर अपने से इन्वॉइस एंटर कर लें। फर्ज करें आपके शॉप का नाम अहमद ट्रेडर IT लिख लें, 1 2 3 इस तरह लिख लें। सप्लायर वो होता है जिससे आप सामान परचेज़ करते हैं, फर्ज करें मैं अफान, मैं रहमत ट्रेडर से परचेज़ कर रहा हूँ ये चीज़ें, मैंने सप्लायर चूज़ कर लिया, मैं क्या क्या चीज़ें परचेज़ कर रहा हूँ, मैंने जो शू है मैंने ये 3 शू हैं एक्सटेंशन, मैं 10 एक्सटेंशन परचेज़ कर रहा हूँ,
टोटल मेरा 12,000 रुपये बन गया। अच्छा, मैं जो बोनस आ रहा था लिख सकता हूँ, डिस्काउंट आ रहा है लिख सकता हूँ, टैक्स है तो वो भी एंटर कर सकता हूँ। उसके बाद मैं जी परचेज़ कर रहा हूँ केबल। अच्छा जी, केबल मैं कितनी परचेज़ कर रहा हूँ ये देखिएगा। अच्छा, मीटर के हिसाब से आप इसको ऑर्डर, क्योंकि हमने सेव किया, तो फर्ज़ करें हम जो केबल है वो हम कर रहे हैं 90 मीटर परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। मतलब कि एक जो उसका पैकेट है पेगर, वो परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ ही आप और भी चीज़ें, जो भी चीज़ें होंगी तो आप वो चीज़ मैनेज कर सकते हैं। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर मुझे इस शू पर मुझे डिस्काउंट मिल रहा है 1%, मैं 1% डिस्काउंट लेकिन वो माइनस हो जाएगा, इसको आप सीधा सेव कर देंगे। अच्छा, इससे क्या होगा, आपको जो स्टॉक है वो प्लस हो जाएगा। सेल टाइप आपने चूज़ कर सकते हैं, परचेज़ आप उधार पर ले रहे हैं या कैश पर ले रहे हैं, ठीक है। इसको आप सेव कर दें, सेव हो चुका। चलते हैं सेल की तरफ। अच्छा जी, परचेजिंग के बाद चलते हैं जी सेल। किस तरह करेंगे हम सेल के लिए, सेल विंडो पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर आप सेल टाइप चूज़ कर सकते हैं, आपने उधार पर सेल करना है, कैश पे करना है, कस्टमर चूज़ कर सकते हैं, कस्टमर नहीं है तो न्यू कस्टमर भी बना सकते हैं, ठीक है जी। अगर कस्टमर सेव नहीं करना तो वैसे भी आप कस्टमर का नाम लिख सकते हैं, ठीक है जी। जैसे कि मैंने चूज़ कर लिया। अच्छा, आप जो भी आइटम सेल करनी है आपने उसको यहाँ पर सर्च कर लें। जैसा कि मैं यहाँ पर GM केबल अगर सेल कर रहा हूँ, अब देखिएगा मुझे इसका जो है ना पर मीटर रेट मेरे पास 15 रुपये आ गया है, ठीक है जी। अब फर्ज करें मैं जो केबल है वो सेल कर रहा हूँ 30 मीटर, तो मैं यहाँ पर 30 लिख दूंगा, तो उसके मुताबिक इसका 450 रुपये रेट आ गया। डिस्काउंट मैंने पैसों में जाना चाहता हूँ तो मैं 10 रुपये, फर्ज करें मैं 10 रुपये डिस्काउंट देना, मैं डिस्काउंट अमाउंट में लिख दूंगा। और अगर मैंने इसको परसेंट में देना है तो मैं परसेंट में लिख दूंगा, ठीक है जी। फर्ज करें मैं 10 रुपये डिस्काउंट दे रहा हूँ। अच्छा जी, ये हो गया जी। और उसके बाद क्या हम मजीद आइटम हमने सेल करनी है, फर्ज करें 2 पिन शू हमने सेल करना है। ये देखिएगा मुझे एक शू की कीमत शो कर रहा है, आपने देखा होगा हमने जब सेव किया था उसको तो मुकम्मल हमने ना उसकी कीमत दी थी 200 रुपये, उसकी कॉस्ट दी थी और 250 रुपये उसकी सेल दी थी हमने, तो उसने एक शू की कीमत बता दी। अब देखिएगा हम अगर हमने 30 शू सेल करने हैं, 30 लिख देंगे, 10 करने हैं, 10 लिख देंगे, हम एक शू भी सेल कर सकते हैं। देखिएगा एक शू भी सेल कर सकते हैं 20 रुपये का, ठीक है। दो कर रहे हैं, दो कर रहे हैं, फर्ज करें मैं 10 शू सेल कर रहा हूँ, मैंने इस तरह कर दिया। उसके बाद ही आप किसी आइटम को रिमूव करना है रिमूव भी कर सकते हैं। चेकआउट पे क्लिक करते हैं, कस्टमर कितने पे कर रहा है, फर्ज करें कस्टमर 1,000 रुपये आपको पे कर रहा है, आपने 351 रुपीज़ आपको कस्टमर को बकाया देने हैं। सेव करेंगे, यस करेंगे, उसके बाद प्रिंट रिसिप्ट पर्ची निकालनी है तो यस करेंगे, रिसिप्ट निकलेगी। चेक करते हैं जी रिसिप्ट का प्रीव्यू किस तरह निकलेगी। अभी प्रिंटर हमने अटैच नहीं किया हुआ तो हम वैसे ही आपको चेक करवा देते हैं। ये व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रीव्यू आ चुका है। देखिएगा यहाँ पे शॉप का नेम वगैरह आ जाएगा, यहाँ पे सेल टाइप आ जाएगी, कस्टमर का नेम आ जाएगा और डेट आ जाएगी। देखिएगा ये हमने 2 पिन शू चाइना 12 पीसेस वाला सेल किया, क्या रेट लगाया 20 रुपये, क्वान्टिटी कितनी सेल की 10 सेल की, और यूनिट क्या इसका पीसेस, ठीक है जी। और 208 रुपये बने। अच्छा, उसके बाद देखिएगा GM केबल हमने सेल की और हमने कितनी, अच्छा जी देखिए कस्टमर को तो पता लगा कि यूनिट क्या है, देखिए मीटर आ गया, ठीक है, यूनिट मीटर आ गया इसका, ठीक है जी। और इसका मीटर का रेट क्या, 15 15 को मल्टीप्लाई 30 से हो गया और इसका ये रेट बन गया 440 रुपये, ठीक है जी। 10 रुपये डिस्काउंट दिया, 10 रुपये डिस्काउंट आ गया, ठीक है जी। मतलब 30 मीटर हमने इसको केबल को सेल किया। अच्छा, इसके बाद ये आ गया जी, यहाँ पर डिस्काउंट 10 रुपये दिया, नेट टोटल बन गया जी 648 रुपये, कस्टमर ने 1,000 रुपये किया, कस्टमर को हमने जो बकाया बैलेंस दिया वो 351 रुपीज़ दिया है, ठीक है जी। चलते हैं जी, हमारा स्टॉक रिपोर्ट किस तरह चेक करेंगे। स्टॉक रिपोर्ट पर जाएंगे, स्टॉक समरी रिपोर्ट, क्या क्या स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है और कितना मुनाफा हो सकता है, उससे मुकम्मल यहाँ पे डिटेल आपको बता रहा है। मैनुफैक्चर चाइना के ये अवेलेबल है, GM केबल्स के ये अवेलेबल है, इतना स्टॉक है, इतने पैसों का स्टॉक है और इतने हमें प्रॉफिट हो सकता है इससे, और कितने कितना इतने इतना स्टॉक अवेलेबल है, ये देखिएगा आपको शो कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं जी यहाँ पर परचेज रिपोर्ट चेक करें, अगर हमारे क्या परचेजिंग की है हमने, ये देखिए मुकम्मल परचेजिंग किससे की है, कितने रुपए की है, क्या डिस्काउंट मिला, किस रेट पे की है और कितने रुपए की है, मुकम्मल आपको शो कर रहा है। उसके बाद हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, आज की डेट चूज़ कर लें, डेट चूज़ कर सकते हैं आप। और ये देखिए मेरे पास एक शीट शो कर रहा है जी, आज की ये चीज़ें सेल हुई, ठीक है, और इनवॉइस का टोटल इतना बना और मुझे मुकम्मल जो मुनाफा हुआ 181 रुपये हुआ, 648 रुपये की सेल हुई, ठीक है जी। मुकम्मल डेट वाइज आपको शो कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस से। उसके बाद अब काफ़ी रिपोर्ट्स आप देखिएगा, मुकम्मल वीडियोज़ हमने बनाई हुई हैं, रिपोर्ट्स काफ़ी हैं, कस्टमर है, सेलमैन है, रिकवरी रिपोर्ट्स हैं, उधार खाता एक्सपेंस वगैरह मैनेज कर सकते हैं, आपके जो भी खर्चा चाहे बन का खर्चा होता है या रिपेयरिंग का खर्चा है वो मैनेज कर सकते हैं आप, बैकअप ले सकते हैं, और ये फुली ऑफलाइन है। अच्छा, आप अगर आपने देखना हो कि एक शीट पे आपको रिपोर्ट आपने देखनी हो कि आपको आज कितनी सेल हुई, आज की कितनी परचेज हुई, एक शीट पे देखना हो तो आप क्या करेंगे, उसके लिए हम रिपोर्ट ओपन कर लेंगे जी, शॉप क्लोजिंग रिपोर्ट,
किस डेट की देखनी है, देखिएगा एक शीट पे शो कर दिया, इतनी सेल हुई, इतनी परचेज हुई, इतनी रिटर्न हुई, इतनी आपकी रन एक्सपेंस हुआ, इतनी सैलरी वगैरह, कस्टमर की सैलरी वगैरह सप्लायर की भी मैनेज कर सकते हैं, और जो अपने मुलाजिम हैं उनकी सैलरी वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं। इसकी मुकम्मल डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है, तो आप भी चेक कर लीजिएगा, कोई आपको सवाल हो तो लाजमी पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, तो अब तक के लिए इतना ही, तो मैं कॉन्टैक्ट भी शेयर कर देता हूँ आपसे। ठीक है जी, कॉन्टैक्ट आपको नीचे यहाँ पर शो हो रहा होगा। ठीक है जी, तो आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।